रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आज की बड़ी खबर, प्रतिभा किसी बैसाखी की मोहताज नहीं होती। शिवशंकर शर्मा। रायबरेली का लाल कर रही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में 10 वर्षों से सेवा। आइए जाने रायबरेली से माँ वैष्णो के चरणों तक का सफर कैसे तय हुआ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के चीफ आर्टिस्ट शिवशंकर शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद रायबरेली की माटी जो साहित्य, कला, संस्कृति का अनूठा संगम है, ऐसी रायबरेली की धरती को प्रणाम करते हुए कहा कि आज जनपद रायबरेली की कला कौशलता की पताका संपूर्ण जम्मू कश्मीर में जो फहर रही है, उसका श्रेय जनपद रायबरेली को जाता है। वीर सपूतों एवं शहीदों की माटी को नमन करते हुए बताया कि मुंशीगंज शहीद स्मारक को सजाने संवारने का अवसर मुझे दिया गया था, जिसकी प्रेरणा से मुझे जनपद की कला संस्कृति का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 में भारतीय आध्यात्मिक पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कला के विकास हेतु श्री माता वैष्णो देवी के पावन दरबार से कला यात्रा भारत भ्रमण निकाली थी, जिसका समापन तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति के आर नारायणन द्वारा किया गया। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में उन्हें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर बुलाया और तभी से कटरा से लेकर माता के भवन तक, जिसमें बाणगंगा, अर्धकुमारी भवन, मेहरूजी घाटी सहित बोर्ड को सजाने और संवारने का कार्य अवसर श्राइन बोर्ड ने प्रदान किया। वर्ष 2016 में तत्कालीन राज्यपाल जम्मू कश्मीर द्वारा उन्हें बोर्ड में आर्टिस्ट के पद पर नियुक्त कर रायबरेली का गौरव बढ़ाया। श्री शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई विस्तृत मुलाकात एवं भारतीय लोक कला। स्वागत है आपका। जैसा कि अभी आपको पता है कि मैं रायबरेली जनपद से निकला हूँ और यहाँ की माटी और माँ पतित पावनी गंगा को प्रणाम करते हुए मैं रायबरेली के जनपद के माटी को और रायबरेली के जनपद के बुद्धिजीवियों को प्रणाम करते हुए ये अनुरोध करता हूँ कि माता वैष्णो देवी दरबार कटरा जम्मू कश्मीर का जो सफ़र है हमारा, वो यहीं से शुरू हुआ था। वर्ष 2003 से लेकर के 5 तक हमने शहीद स्मारक मुंशीगंज का सुंदरीकरण का कार्य किया और 1996 में हमने श्री माता वैष्णो देवी कला यात्रा निकाली थी भारत भ्रमण के उद्देश्य से। उसका उद्देश्य ये था कि भारत की आध्यात्मिक, पारंपरिक और लोक चित्रकला का विकास करना। तो उस उद्देश्य से मैंने कला यात्रा का आयोजन किया था, जिसका समापन मैंने राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण के साथ माता वैष्णो देवी की कलाकृति भेंट कर दी। इस दौरान मुझे माता वैष्णो देवी दरबार जाने का अवसर प्राप्त हुआ और कला यात्रा की मेरी प्रति माँ के श्री चरणों से लगाई गई। व्यक्तिगत तौर पर SDM से मैंने अनुरोध किया कि ये मेरा एक टूटा प्रयास है और ये माँ के चरणों तक जाने से, तो व्यक्तिगत ही उन्होंने पर्सनली पुजारी को बुला करके मेरी उच्च कलाकृति को माँ के चरणों। मुझे लगता है कि वो कलाकृति जो माता ने स्वीकार किया वो अपने आप में अमूल्य रही। मुझे पता नहीं आज वो कहाँ है, मैंने वहीं दे दिया था, लेकिन उसके बाद भगवती को ऐसी कृपा हुई कि मेरी जो ख्वाहिश थी, मेरी जो इच्छा थी, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मुझे वर्ष 2011 में ऑफिस में बुलाया और तब से मैं वहीं पे हूँ। और वर्ष 2016 में वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल श्री NN वोरा सर ने मुझे एज एक आर्टिस्ट वहाँ पर अपॉइंट किया। तब से मैं वहाँ पर माता वैष्णो देवी की सेवा कर रहा हूँ और कटरा से लेकर के भवन तक जो भी सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है, नए रास्ते पे, पुराने रास्ते पे, ताराकोट मार्ग पे, अर्धकुमारी भवन, बालगंगा, उसका सेवा का अवसर माता वैष्णो देवी के पास मुझे प्राप्त हुआ। इस बीच मुझे